Good morning, students. Today we are going to learn a very interesting concept. Konsi? Equal. Equal yani same. Yani saman. Equal ka meaning kya hota hai? Same. Okay, same yani saman. Jaise look at this. Kya hai? House. One house, then second house. House, home. One. Equal. Equal ka jo चिन्ह होता है इक्वल का वो क्या होता है साइन जो होता है इक्वल का वो क्या होता है टू स्लीपिंग लाइन यानी इक्वल यानी सेम ओके इक्वल का साइन होता है टू स्लीपिंग लाइन अभी देखो यहाँ पे वन हाउस है यहाँ पे भी वन हाउस है वन एंड वन दोनों सेम सेम है अभी यहाँ पे टू फेसेस है और यहाँ पे टू ग्रिंजल है कितने यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू है यानी कि इक्वल यानी कि सेम है ना यहाँ पे तीन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है ऐसा है क्या नहीं यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है वन सेम टू सेम यानी इक्वल का मतलब क्या होता है सेम समान ओके तो आज हम कौन सी कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं इक्वल यानी सेम ओके अब इसके लिए ये तो सिर्फ एग्जांपल दिए मैंने आपको अभी मैं इसके लिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी इक्वल कैसे होता है और मैच हम कैसे कर सकते हैं ओके तो कौन सी कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं हम लर्न कंसेप्ट ऑफ इक्वल इक्वल यानी सेम यानी समान ये होता है इक्वल का साइन यानी टू स्लीपिंग लाइन अभी देखो मेरे पास टू प्लेट है टू प्लेट में टू बिस्किट है यानी कि टू एंड टू दिस प्लेट हैव टू बिस्किट एंड दिस प्लेट हैव टू बिस्किट टू कितने हुए इक्वल यानी सेम लेकिन अगर मैंने यहाँ से एक बिस्किट यहाँ पे रख दिया यहाँ पे रखे मैंने थ्री और यहाँ पे हुआ वन तो इक्वल हो गए नहीं ये डिफरेंट हो गए क्योंकि यहाँ पे थ्री और यहाँ पे वन है तो जब मैं यहाँ से वन उठा के यहाँ पे रखूंगी यानी कि टू और टू अभी बन गए सेम यानी इक्वल जो चीजें सेम सेम होती उसको बोलते हैं हम इक्वल यानी सेम अभी देखो ये क्या है ग्लास दिस इज ग्लास थ्री ग्लास अभी वन टू थ्री फोर ग्लासेस वन टू थ्री अभी ये हुए थे इक्वल नहीं हुए इक्वल क्योंकि यहाँ पे है फोर और यहाँ पे है थ्री जब मैं इनको वन ग्लास और ऐड करूंगी अभी बन गए ये फोर और फोर इक्वल यानी समान यानी सेम वैसे अभी और एग्जांपल ले सकते हैं अभी मेरे पास जो है आइसक्रीम स्टिक है अभी देखो फिर से हम काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने स्टिक है मेरे पास सिक्स स्टिक है अभी यहाँ पे भी मुझे सिक्स रखने पड़ेंगे तभी तो इक्वल होंगे ना ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और सिक्स अभी बन गए इक्वल अभी आपको क्या करना है पता है क्या ये जो हमने सेम सेम चीजें रखी अभी उसको आपको क्या करना है मैच करना है अभी मैच हम कैसे करेंगे अभी देखो अभी मैच अगर करना है तो कैसे करेंगे हम मैच अभी स्टिक आइसक्रीम स्टिक का आप अभी देखो ग्लासेस का आप ये वाले अभी बन गए हमारा मैच फोर ग्लास को हमने फोर ग्लास मैच किए आपको भी इस तरह से मैच करना है अभी टू बिस्किट इस प्लेट में और टू बिस्किट इस प्लेट में अभी हमने इनको मैच किया और ये हो गया हमारे ये वाला सिक्स स्टिक एंड सिक्स स्टिक मैच आपको भी ऐसे ही आपकी जो बुक है उसमें आपको ऐसे इसी तरह से मैच करना है कि सेम ऑब्जेक्ट के साथ सेम ऑब्जेक्ट आपको मैच करना है सेम ऑब्जेक्ट के साथ आपको सेम ऑब्जेक्ट मैच करना है ओके अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ओके वन टिफिन बॉक्स एंड वन टिफिन बॉक्स दोनों सेम सेम है लेकिन दोनों कैसे है इस यहाँ पे भी वन ही टिफिन बॉक्स है और यहाँ पे भी वन ही टिफिन बॉक्स है मेरे पास यानी इक्वल यानी सेम हो गए अभी ये क्या है स्क्वायर क्या है कौन सा शेप है स्क्वायर अभी ए भी वन है और ए भी वन है यानी इक्वल
टिकली वन वन यानी इक्वल, स्क्वायर वन वन यानी इक्वल। अभी और क्या है, बॉल, क्या मेरे पास बॉल। अभी देखो ऑरेंज कलर, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे कितने, फोर यानी इक्वल। अभी आपको समझ में आया इक्वल का मतलब क्या है, सेम, दोनों साइड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम से होने चाहिए, तभी हम हमारी इक्वल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे भी देखो, फोर बॉल फोर बॉल, वन स्क्वायर वन स्क्वायर, वन टिफिन वन टिफिन। ओके, इसी तरह से आपके घर में जो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आप उसको काउंट कर सकते हो। अभी जैसे मेरे पास एक क्रेयॉन, वन टू थ्री फोर फाइव, इस साइड में मैंने लिए फाइव, तो अभी इधर मुझे फाइव लेने पड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सिक्स सेवन। अभी बन गए हमारे इक्वल यानी सेम यानी समान। ओके, तो आपका लर्न हुआ ये कंसेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्या कि हमने इक्वल का मतलब होता है सेम सेम ऑब्जेक्ट लेना और सेम सेम ऑब्जेक्ट को सेम सेम ऑब्जेक्ट मैच करना। अभी फिर से हम मैचिंग करेंगे। अभी देखो फोर बॉल को हम फोर पिच पे मैच कर सकते हैं और फोर फिंगर को हम फोर बॉल मैच कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है फोर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी क्या है फोर ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है वन स्क्वायर, अभी वन स्क्वायर को हम वन स्क्वायर मैच कर सकते हैं, वन टिफिन बॉक्स को हम वन टिफिन बॉक्स मैच कर सकते हैं। इसी तरह से आप भी, आपको भी वर्कशीट भी सॉल्व करना है और इसी तरह से आपको एक्टिविटी भी करनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड।